हाई एवरी वन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO4, जो कि है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। एंड दिस इज माई गारंटी कि अगर आप ये सारे जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आराम से 60-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं MCOM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एंड MCOM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के, वो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है? तो अच्छे से समझिएगा, जो कि आपकी लगभग 15 या 20 मिनट्स की ये वीडियो होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा इस वीडियो पर और अच्छे से समझ लीजिएगा। जिन भी क्वेश्चंस को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूंगा उनको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उनके बाद प्रिपेयर कीजिएगा, फिर भी टाइम बच जाता है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बोलूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइज, एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप आंख बंद करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट मत कीजिए, पहले समझिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन कीजिए। दिस इज प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। आई मस्ट से कि स्टडी हार्ड नहीं करना, आपको स्टडी स्मार्ट करना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। हमारा जो मिशन है वो है 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू। तो इनके आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा टॉपिक्स के, और जितना हो सकेगा मैक्सिमम अपने एंड से हेल्प करूंगा, बट आप भी इनकी तैयारी अपने एंड से कीजिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी एंड दिस इज समथिंग विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइस, जो ये क्वेश्चन है ये हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कि 10 मार्क्स में आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, और सभी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सबसे पहले और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है लाइनर शिपिंग सर्विस और ट्रैम शिपिंग सर्विस के बीच में डिफरेंस का, यूनिट नंबर 11 में मिल जाएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक यू कैन से वी हैव इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट DP एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जो कि यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है। उसके अलावा हमारा यूनिट 11 का नेक्स्ट टॉपिक है वॉयज चार्टर एंड टाइम चार्टर, ठीक है? तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री यूनिट 3, कस्टम्स इनवॉइस एंड कंस्यूलर इनवॉइस यूनिट 3, बिल ऑफ लेडिंग एंड एयरवे बिल यूनिट 3। यूनिट 3 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और ये तीनों भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। आगे के हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में रहेंगे ओपन कवर एंड ओपन पॉलिसी यूनिट 12, एक्चुअल टोटल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस यूनिट 12, एंड नेक्स्ट वी हैव मैरिटाइम एंड एक्सट्रेनियस पेरिल्स यूनिट 12। इनको आप इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए, ओके? FOB एंड CIF यूनिट 2 के कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि यूनिट 6 का टॉपिक है, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट को सबसे पहले प्रिपेयर करना है और इम्पॉर्टेंट वालों को बाद में, लेकिन ये डिस्टिंग्विश के जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा आप, ओके? नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आते हैं शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में अगेन 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में एटलीस्ट पूछे जाएंगे। तो 5-10 मार्क्स में आप कंसीडर करके चलिए, लेकिन प्रिपेयर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन के टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डीम्ड एक्सपोर्ट, जो कि यूनिट 1 में मिल जाएगा। इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोर्ट प्रोसीजर्स, यूनिट 13 का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आपको उतने ही इम्पॉर्टेंस के साथ में प्रिपरेशन करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ECGC गारंटीज, यूनिट 15 का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। EPCG स्कीम, जो कि यूनिट 8 में मिलेगा आपको, इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए इसको। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स यूनिट 15 के टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स यूनिट 5 और 11 में, दोनों में आपको मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव सप्लायर्स एंड बायर्स क्रेडिट यूनिट 8, इम्पॉर्टेंट है। सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यूनिट नंबर 3 में इम्पॉर्टेंट है, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज यूनिट 3 में, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है?
नाउ अगली जो स्लाइड है आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, ISO 9000 यूनिट 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विसेज वैंस, जिसको बोलते हैं यूनिट 4 का टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेमा रेगुलेशन फॉर रियलाइजिंग एक्सपोर्ट प्रोसीड यूनिट 7 में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वी हैव फोर मेजर क्लॉज एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन एन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, और इसको शॉर्ट में आप फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक भी बोल सकते हैं, या तो फोर्स मेजर क्लॉज बोल लीजिए या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए, यूनिट 2 का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट अंडर क्लेम ऑफ रीबेट अंडर रूल 18 यूनिट 17, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 15 इंपॉर्टेंट है। ईपीसीजी स्कीम हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो इसको अवॉइड कर दीजिए यहाँ पे। और नेक्स्ट वी हैव टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट यूनिट 8, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक यूनिट 17 का है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन हो गए, और इनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट आपको समझ लीजिए 30 मार्क्स के तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे कमेंट ऑन द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5 मार्क्स में कई बार देखे गए हैं आपके एग्जाम्स में, तो मिनिमम 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछ ले जाते हैं सिंगल क्वेश्चन टाइप में, तो प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपके जो टॉपिक्स होते हैं चैप्टर्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 का है, ऑल पार्टीज इन अ लेटर ऑफ क्रेडिट डील इन डॉक्यूमेंट, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेटली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, लेटर तो वो खुद एक डॉक्यूमेंट है, तो उसके बारे में आपको बताना है कॉमेंट करके, क्या ये जो यू नो स्टेटमेंट है सही है नहीं है, दैट इज वॉट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट इज यूनिट 9 टॉपिक, ई सी जी सी थ्रू देयर फाइनेंशियल गारंटीज एनहेंस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एक्सपोर्टर, यस नो, आप अपना ओपिनियन दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट इज कस्टम्स क्लियरेंस, अब ये जितने भी मैं बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में। तो कस्टम्स क्लियरेंस हेल्प इन रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स यूनिट 13 एंड 14 दोनों में मिल जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा एंड आपको ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 13 जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट कार्गो के क्लियरेंस से रिलेटेड चैप्टर है, और चैप्टर नंबर जो 14 है आपका वो बेसिकली इंपोर्ट जो आपका होता है उसके क्लियरेंस के रिलेटेड जो कस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है उससे रिलेटेड चैप्टर है आपका। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8 टॉपिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक डज नॉट कम्पीट विद कमर्शियल बैंक बट सप्लीमेंट्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू द एक्सपोर्टर, यस नो, आंसर इज बेसिकली यस। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग पेमेंट थ्रू अ कन्फर्म्ड इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ रियलाइजिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है। एन इम्पॉर्टेंट मोटिव बिहाइंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव इज टू मेक इंडियन प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वालिटी कॉम्पिटेटिव इन द फॉरेन मार्केट, यस ऑफ कोर्स, यूनिट नंबर 3 में मिल जाएगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कार्गो इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज मरीन इंश्योरेंस ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट 12 का टॉपिक है। ISO 9000, देखिए ISO 9000 जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे कमेंट टाइप के वो आप आराम से कर सकते हैं। आर सिग्निफिकेंट इन एक्सपोर्ट यूनिट 11 में मिल जाएगा। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर, यूनिट नंबर 11 में मिल जाएगा, जिसके बारे में आप शॉर्ट नोट में भी पढ़ेंगे। ट्रेड पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द कंट्री, यूनिट 1 में मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स एक्सचेंज कंट्रोल regulations रेगुलेट टर्म्स ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट बिजनेस, यूनिट 6 का टॉपिक है। बिल ऑफ एंट्री इन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सर्व्स द सेम पर्पज एज शिपिंग बिल इन एक्सपोर्ट, यूनिट 3 में आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। और नेक्स्ट इज ऑल डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन हैव अ लीगल परस्पेक्टिव, अगेन यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट है, तो देख लीजिए यूनिट 3 के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यूनिट 11 के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यूनिट 5 के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो कुछ ये यूनिट्स हैं इन पर ज्यादा फोकस दीजिएगा, अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट कुछ और हमारे कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। एडवांस लाइसेंसेस अंडर ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट वन। तो यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि इनिशियल जो फाइव सिक्स यूनिट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेलिंग अंडर सी आई एफ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड फॉर द कंट्री एज अ होल, यूनिट टू में मिल जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG help exporters in reducing manufacturing cost of export goods. Unit number 8 का topic है. Institute of Cargo Clause A is much better than either B or C. Unit 12 में मिल जाएगा आपको इसका answer. Next is EDI system can shorten the lead time between the receipt and the execution of export orders. Unit 4. तो थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं. मेरा पॉइंट है आपको एक बार पढ़ के बता देना, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए, उसमें क्वेश्चंस लिख लीजिए और जो आपकी आंसर्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं उनको टिक करके या कट करके आप आगे बढ़ जाइए। तो ये प्रैक्टिस मैं फॉलो करता था, आई वुड सजेस्ट कि आप भी करें, नहीं तो आप अगर प्रिंट आउट ले सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका इस वीडियो का PDF प्रोवाइड कर दूँ, सो दैट यू कैन गेट इट एंड आप प्रिंट आउट ले सकें। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको लगभग 5 to 6 पेजेस में अपने आंसर्स को लिखना होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और कौन कौन से टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं। इसके अलावा डिस्क्राइब द सिक्वेंशियल प्रोसीजर फॉलोड इन ओपनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो किस तरीके से हमारा एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है उसको ओपन किया जाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 6 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसा कि बताया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस, कैन बी ट्रेड विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, नेम द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्क्राइब देयर फीचर्स। यूनिट नंबर 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। सबसे पहले पूछा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी होते हैं किसी भी एक्सपोर्ट ऑर्डर या फिर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में, क्या आप ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के। आंसर इज यस, कर सकते हैं ट्रस्ट के बेसिस पर, बट आजकल जो हमारे ट्रेड होते हैं वो कैसे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पर हैं। नेम द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, डिस्कस एनी 4 स्टेप्स इन डिटेल। यूनिट 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको बतानी है कि एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेस करते टाइम पर कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं और कोई भी 4 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तभी आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर पाएंगे और यही आपको सेम स्ट्रेटजी एग्जाम टाइम पर भी फॉलो करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना है आंसर शीट में। Now, next question is, what is the legal framework in terms of major acts governing foreign trade of India? Discuss macro general provisions related to export under the foreign trade policy. Unit 1 में मिल जाएगा आपको answer. तो यहाँ पर हमारे पास 2 questions पूछे गए हैं basically. पहले तो हमें बताना है legal framework जो कि foreign trade, India के foreign trade से related हैं आपके, जो India के foreign trade को govern करते हैं उनका legal framework क्या है, कौन कौन से एक्ट्स हैं हमारे, और उसके बाद में हमें बताना है जो एक्सपोर्ट के लिए हमारा मैक्रो जनरल प्रोविजंस क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये चारों क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट 13 एंड 14 में मिल जाएगा। इसमें आपको बताना है प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कार्गो। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कार्गो जो होता है उसके कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अच्छे से आपको पढ़ने हैं ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख पाए। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज इन्वॉल्वड इन फाइनेंसिंग इम्पोर्ट, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल टू इम्पोर्टर्स, आर दे देयर एनी RBI रेगुलेशन ऑन द सब्जेक्ट। यूनिट 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, समझने और उनको फिर आंसर में लिखना है। पहले तो फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट होता क्या है, क्या होता है इसमें इंक्लूडेड, फिर उसके बाद आपको बताने हैं कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं किसी भी इंपोर्टर को अपना जो
कार्गो है या फिर इम्पोर्ट है, उसको फाइनेंस कराने के लिए क्या इसमें कोई आरबीआई की रेगुलेशंस होती हैं, ये आपको आंसर में देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, डिस्कस इट्स की कॉम्पोनेंट्स और एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर, एंड हाउ कैन यू डेवलप एन ईडीआई प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 4 में मिल जाएगा आपको, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, आगे भी पूरी एक्सपेक्टेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इन इंस्पेक्शन इन एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंस्पेक्शन, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ प्रोसीजर इन एनी वन ऑफ द कैटेगरीज। यूनिट 11 में मिल जाएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन किया जाता है एक्सपोर्ट गुड्स का, क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कौन कौन से टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं उनके बारे में बताना है, और किसी एक के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन भी करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, डिस्कस पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल टू एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर्स के पास कौन कौन सी आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ऑप्टेन करने के लिए। यूनिट 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विच इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1, एंड इट इज व्हाट इज एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। तो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होता है, व्हाट इज इट रेशनल, उसके पीछे का रीजन क्या है, और डिस्कस द प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन नीडेड फॉर ऑप्टेनिंग अ लाइसेंस। तो क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी लाइसेंस को ऑप्टेन करने के लिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 17, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक को क्लेम करने के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। अगला पॉइंट है, इज इट सेम फॉर एक्सपोर्ट बाय सी और एयर, एक्सपोर्ट बाय पोस्ट एंड एक्सपोर्ट बाय सरफेस। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बताना है कि अगर आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कराते हैं सी या एयर के थ्रू, तो क्या ड्रॉबैक क्लेम करने के प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेंगे, या फिर आप एक्सपोर्ट कराते हैं पोस्ट के थ्रू तब, एक्सपोर्ट कराते हैं सरफेस के थ्रू यानी कि लैंड राउट के थ्रू, तो बताना है आपको ये। तो यूनिट नंबर 17 में आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, व्हिच मेथड इज द बेस्ट सूटेड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, डिस्कस विद एग्जांपल्स। यूनिट 2 में मिल जाएगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। और इसमें आपसे पूछा है सबसे पहले कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका आर्बिट्रेशन मेथड भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और बताना है आपको कि कौन सा मेथड इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है, और एग्जांपल्स भी देने हैं उसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 7, और ये है आपका व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू रियलाइजिंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अंडर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, डिस्कस इन डिटेल्स विद एग्जांपल्स। तो हमारा जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कि अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को कैसे रियलाइज किया जाता है, उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं आपके अवेलेबल, उनको बताना है, और इसको डिटेल में आपको डिस्कस करना है, एग्जाम्पल्स अगर हो सके तो वो भी देने हैं आपको। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंश्योर्ड अंडर अ कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो मैंशन द प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर फाइलिंग अ क्लेम। यूनिट 12 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको भी लिख लीजिए। अब आपको बताना है कि ये जो लॉस होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में उसका मतलब क्या होता है, और एक इंश्योर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपका लॉस होता है तो उस केस में आप कैसे क्लेम को फाइल करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके नीडेड होंगे। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन द स्क्रीन एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 15, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। एंड द क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन गिविंग इट्स रेशनल एंड डिटेल्ड वर्किंग ऑफ एनी 5 ऑफ द इंस्टीट्यूशंस।
तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना है जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप की जाती है उन पर, और बताना है कि उनको क्यों सेटअप किया जाता है, और कोई भी 5 इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वर्क करती हैं इंडिया में, उनके वर्किंग के बारे में आपको बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 6 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड? तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड में कौन कौन से आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट यूज होते हैं, और व्हाट वुड यू कंसीडर सेफेस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सपोर्टर? और यूनिट 6 में मिल जाएगा आपको। आई थिंक इससे रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ऑल्सो डिस्क्राइब वेरियस रिस्क कवर पॉलिसीज इशूड बाई ECGC। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का क्या रोल है इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और कौन कौन सी टाइप की रिस्क कवर पॉलिसीज इशू की जाती हैं ECGC के थ्रू, वो आपको बतानी है। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 16 एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्कीम्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेडिंग हाउस एंड लिस्ट आउट स्पेशल प्रिविलेजेस अकॉर्डेड अंडर द स्कीम। तो अलग अलग तरह के जो एक्सपोर्ट हाउसेस या ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं उनमें क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल होती हैं वो आपको बताना है, और क्या क्या उनके प्रिविलेजेस उनको मिलते हैं स्कीम के अंडर वो बताना है, तो उसको इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। तो गाइज ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट हैं, और इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जैसा कि आपको बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको बाद में प्रिपेयर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकूँ, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को हेल्प करिए इस वीडियो के थ्रू। और जैसा कि मैंने बोला, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर जो आपकी अदर वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो एक बार उनको भी देख लीजिए, बहुत हेल्प करेंगे आपको। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।